नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 का फील्ड टेस्ट शुरू। चुनाव आयोग में लोकसभा की तैयारियां शुरू। जू सफारी की टाइमिंग में हुआ बदलाव। नेहा सिंह राठौर ने आदि पुरुष पर गाया गाना। मोइन अली पर ICC ने लगाया जुर्माना और 2 सालों के लिए जारी की चेतावनी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड का ड्रेस कोड नेशनल कॉन्क्लेव में बना चर्चा का विषय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किए गए 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 में देश के 23 राज्यों के 32 परीक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बता दें कि इस कॉन्क्लेव में कई विषयों के साथ बिहार बोर्ड का ड्रेस कोड भी चर्चा में बना रहा, जिसे वर्ष 2017 में समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा समिति की कार्य प्रणाली में किए जा रहे सुधारों के क्रम में लागू किया गया था, जिसके तहत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को गर्मी में स्काई ब्लू कलर का शर्ट तथा ब्लैक पैंट पहनना होता है। ऐसे में कॉन्क्लेव में शामिल प्रतिनिधि पदाधिकारियों और कर्मियों को इस ड्रेस में देखकर हर्षित हो गए और इस बारे में कई जानकारी ली। बता दें कि जिन राज्य के प्रतिनिधियों के द्वारा इस बारे में जानकारी ली गई है वह हरियाणा, गोवा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य शामिल हैं। जू सफारी की टाइमिंग में हुआ बदलाव। भीषण गर्मी और लू के असर को देखते हुए जू सफारी के समय में बदलाव कर दिया गया है। ऐसे में अब पर्यटकों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जू सफारी बंद रहेगा। दरअसल भीषण गर्मी के कारण जू सफारी के अंदर AC वाले गाड़ी से भी चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वाहन में भी AC ठीक से काम नहीं कर पा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं जू सफारी में मौजूद जानवर जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू खुद को गर्मी से बचाने के लिए अंदर बने बाड़े का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में उन्हें देखने के लिए पहुंचे पर्यटकों को उनका दीदार नहीं हो पा रहा, जिससे पर्यटकों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। वहीं रेंजर राकेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मौसम में बदलाव होने के साथ ही टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया जाएगा। स्टालिन के नियुक्ति पर इस दिन तमिलनाडु जाएंगे CM नीतीश। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 जून को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नियुक्ति पर तमिलनाडु जाने वाले हैं, जहां वह M.K. स्टालिन से मुलाकात करेंगे और 20 जून को ही द्रमुक नेता व तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणानिधि की स्मृति में उनके पैतृक शहर तिरुवरूर में बनाए गए कैलगनार कोट्टम का उद्घाटन करेंगे। वहीं उद्घाटन के बाद 21 जून को CM नीतीश वापस बिहार लौट आएंगे। मालूम हो कि इस दौरान CM नीतीश तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन को 23 जून को होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित भी करेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 का फील्ड टेस्ट शुरू। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई की देखरेख में दक्षिणी बिहार के 20 जिलों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 का फील्ड टेस्ट शुरू हो गया है। बता दें कि टेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव दिल्ली द्वारा किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा करवाया जा रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्वे में दक्षिणी बिहार के लगभग 56,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। वहीं अगर देश की बात करें तो इस सर्वे में देश भर के कुल 7 लाख परिवार हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों से उनकी शिक्षा, व्यक्तिगत तथा प्रजनन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा बिक्रियों आदि के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही शारीरिक जांच भी की जाएगी और ड्राई ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा, जिससे एड्स, हेपेटाइटिस बी तथा सी का पता लगाया जा सकेगा। IIT NIT एडमिशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग शुरू। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के द्वारा देश भर के 23 IIT, 32 NIT, 26 IIIT सहित अन्य 38 गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट की 55,000 से अधिक सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि आज यानी कि 19 जून सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि 28 जून शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वहीं 25 जून को मॉक सीट आवंटन रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद ही स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग में बदलाव कर सकते हैं। 26 जून तक चॉइस फिलिंग के आधार पर 27 जून को सेकेंड मॉक सीट आवंटन रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडमिशन के लिए काउंसलिंग 6 राउंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला राउंड 30 जून, दूसरा राउंड 6 जुलाई, तीसरा 12 जुलाई, चौथा 16 जुलाई, पांचवा 21 जुलाई और छठा राउंड 26 जुलाई को जारी होगा। नेहा सिंह राठौर ने आदि पुरुष पर गाया गाना। बिहार की लोक गायिका और काबा फेम नेहा सिंह राठौर को अपने कई बार उनके गाने के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसते सुना होगा, लेकिन इस बार नेहा सिंह राठौर ने हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के पात्रों पर आधारित फिल्म आदि पुरुष के राइटर मनोज मुंतशिर पर गाना गाकर अपने गाने के माध्यम से तंज कसने का काम किया है। बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने अपने इस गाने से राइटर को फिल्म के डायलॉग्स के लिए काफी खड़ी कोटी सुनाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के करोड़ों हिंदू जनमानस का मजाक उड़ाकर मौका परस्त लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। इस गाने के माध्यम से नेहा सिंह राठौर ने यह भी पूछा है कि मनोज मुंतशिर को लीगल नोटिस कब भेजा जा रहा है।
बिहार के कमलेश कमल को मिला साहित्य का विष्णु प्रभाकर सम्मान। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के कमलेश कमल सहित 5 लोगों को प्रतिष्ठित विष्णु प्रभाकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। मालूम हो कि पुरस्कार कमलेश कमल को साहित्य के लिए दिया गया है, जो विगत 2 दशकों से साहित्य एवं भाषा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनके पुस्तकों को पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों एवं प्रमुख संस्थाओं में विद्यार्थियों के बीच काफी पसंद किया जाता है, क्योंकि उनकी पुस्तकें हिंदी भाषी के शुद्ध रूप का प्रचार प्रसार करती है। मालूम हो कि कमलेश कमल के अलावा जिन 4 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनमें उत्तराखंड राज्य की डॉक्टर अनुभा पुंडीर को समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, अहमदाबाद गुजरात के जनक दवे को पत्रकारिता के लिए, गांधीनगर के सीताराम बरोट सत्यम को शिक्षा के लिए और दिल्ली की अपर्णा सारथी को कला के लिए विष्णु प्रभाकर स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मंगलवार को आरजेडी कार्यालय में सुनवाई कार्यक्रम में ये 2 मंत्री रहेंगे मौजूद। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहल पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से शुरू किए गए सुनवाई कार्यक्रम में इस बार 20 जून को होने वाले कार्यक्रम में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव और श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम मौजूद रहने वाले हैं, जहां इन दोनों मंत्रियों के द्वारा आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। ऐसे में वे लोग जो मंत्री से मिलना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले 20 जून को आरजेडी कार्यालय में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद वे लोग दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्या का समाधान निकलवा सकते हैं। बता दें, इस बात की जानकारी आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद के द्वारा दी गई है। नेपाल में हुई बारिश से बिहार में बाढ़ की आशंका। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में जारी बारिश की वजह से बिहार के तराई इलाकों में बाढ़ की संभावना जताई गई है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार नेपाल में हुई बारिश के कारण दरभंगा के कुशेश्वर स्थान चचरी पुल बह गया है, जिस वजह से 3 पंचायतों के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। इसके साथ ही इस वर्ष बिहार सरकार की ओर से भागलपुर के नौगछिया के रंगर प्रखंड में 3.40 करोड़ रुपए की लागत से कटाव निरोधी कार्य जो किया गया था, वो भी बाढ़ में समा गया है। बता दें कि कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जहांगीरपुरी वैसी में कोशी का सीधा कटाव हो रहा है। ऐसे में कभी कभी कुछ हिस्सा नदी में काट कर बह जाता है। हालांकि अभी पहले के काम को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग में लोकसभा की तैयारियां शुरू। निर्वाचन आयोग की ओर से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि वर्तमान में आयोग की ओर से अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। वहीं ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 22 जून तक चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी दे दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग के 120 पदाधिकारियों को आयोग द्वारा चयनित एवं अनुशंसित मास्टर ट्रेनर के द्वारा चुनाव के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं मालूम हो कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहां पहले से ही पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। रविशंकर ने सीएम नीतीश की मुहिम में गिनाई कई खामियां। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले विपक्षी दलों को लेकर बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया कि विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सीपीएम से दोस्ती करेगी तो वो नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि इनमें आपस में ही खटपट है, ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। हिंदुस्तान आपस में लड़ने वाला सरकार नहीं चाहता। विपक्ष पार्टी मिले, चाय पिए, लिट्टी खाए, लेकिन न बिहार उनके साथ जाएगा और न ही देश जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता अकेले पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे सभी को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात पर ललन सिंह का तंज। बीते दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम आयोजित की गई और कई मुद्दों पर चर्चा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा तंज कसते हुए पीएम मोदी से कई सवाल किए गए। उन्होंने पूछा कि देश के ज्वलंत मुद्दों पर पीएम क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि अब समय नजदीक आ रहा है कि देश की जनता सब चीजों का हिसाब लेगी। बता दें कि ललन सिंह ने अपने ट्विटर पर टीवी चैनल का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आखिर आपके मन की बात में मणिपुर के हित की बात, मणिपुर और देश भर में सामाजिक सौहार्द एवं शांति की बात, युवाओं के हित की बात, महंगाई की बात, बेरोजगारों के हित की बात क्यों नहीं आती है। मणिपुर भारत में ही है, वहां भी डबल इंजन वाली भाजपा सरकार है। महीनों से जो मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, देश की प्रधानमंत्री के मन की बात में यह क्यों नहीं आती। समय निकट है, देश की जनता सबका हिसाब लेगी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर बिहार कांग्रेस देगा ये बड़ा गिफ्ट। आज यानी कि सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर बिहार कांग्रेस की ओर से उन्हें एक बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी में जुटा गया है। बता दें कि बिहार कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के जन्मदिन पर किए गए ट्वीट में कहा गया है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस परिवार के तरफ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जननायक श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं कि आप यूं ही मुस्कुराते और नफरत के बाजार में प्यार
प्यार मोहब्बत फैलाते रहें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जन्मदिन के ठीक बाद पटना आ रहे राहुल गांधी को बिहार कांग्रेस की ओर से बड़ा गिफ्ट देने का योजना बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस को बिहार में सशक्त करना और लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को कई सीटों पर जीत दिलाना शामिल है। मोइन अली पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना और 2 सालों के लिए जारी की चेतावनी। पहले एसएस टेस्ट के दूसरे दिन अपने गेंदबाजी करने वाले हाथ में कुछ सूखी चीज लगाने के चलते आईसीसी ने मोइन अली को कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है और साथ ही उनके इस उल्लंघन को उनके रिकॉर्ड में एक गलत पॉइंट के रूप में जोड़ा गया है, जो कि पिछले 24 महीनों में उनका पहला अवगुण पॉइंट है। ऐसे में अगर वे अगले 2 सालों में 3 और पॉइंट जोड़ते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाएगा। आईसीसी ने कहा कि मोइन अली ने अपराध को स्वीकार करते हुए मैच रेफरी एंड पाइक्राफ्ट द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया है। अंपायर इस बात से संतुष्ट थे कि अली ने केवल अपने हाथ सुखाने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल किया था। स्प्रे को गेंद पर एक आर्टिफिशियल चीज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया था और इससे गेंद की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो कि आईसीसी के नियमों में खंड 41.3 का उल्लंघन है, जिसका मतलब है गलत तरीके से खेलना और गेंद की स्थिति में बदलाव करना। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपये और डीजल 94.77 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपये और डीजल 95.50 रुपये प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपये और डीजल कीमत 94.71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपये और डीजल कीमत 95.04 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा कसनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, कमलेश शर्मा, सदुल्लाह पलवी, कुमारी संचना, मोहम्मद सकीर हुसैन, मुटुर रंगीला, नन्नू गोलू कुमार, अर्जुन राम, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अफजल मंसूरी, राजकिशोर महतो, योगेंद्र रजक, रवि शंकर, कन्हैया कुमार, अंशुप्रिया, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस भीषण गर्मी के बीच आपके क्षेत्र में बिजली की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।